तो हाल फिलहाल में दोस्तों एक और न्यू बाइक का कुछ न्यू बातें अभी सामने आया है। और ये जो न्यू बाइक है ना, तो ये है TVS कंपनी का ही और एक न्यू नेकेड बाइक जो कि 310cc के अंदर आने वाला है। और यही वाला बात अभी बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है और इसके ही बारे में आगे हम लोग तो बात करने ही वाले हैं। लेकिन वैसे आप लोग एक चीज देख ही सकते होंगे जो कि है आज से बहुत दिनों पहले एक ऑटो शो के ही अंदर, जैसे कि देख ही सकते होंगे इस वाले बाइक को दिखा गया था और इसका नाम जो है तो ये डार्किन नाम से कुछ था। तो वैसे इस वाले बाइक के बारे में तो एक अलग सीन है, लेकिन अभी के डेट में हम लोग TVS के ही एक न्यू 310cc वाले नेकेड बाइक के बारे में आगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और गाइस एक चीज जो कि है, देखो ये वाला जो चैनल है ना, तो वीडियो शुरू होने से पहले बता रहा हूँ कि ये जो चैनल है ये 3000 सब्सक्राइबर टच करने में ना बस अभी 230 सब्सक्राइबर बच गए हैं। तो भाई अगर वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दिया करो इस वाले चैनल को, क्योंकि भाई 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी 3000 सब्सक्राइबर अभी टच हुए नहीं है इसी चैनल पर। तो मैं हूं अंकन कोनकर, आप देख रहे हो कोनकर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो हाल फिलहाल में दोस्तों अभी TVS कंपनी का और एक न्यू 310cc वाले नेकेड बाइक के बारे में कुछ न्यू बातें जो है तो वो किया जा रहा है। और ये जो न्यू बातें है ना, तो इसके अंदर बस एक ही चीज बार बार सुनाई दे रहा है जो है कि 310cc के अंदर एक नेकेड बाइक आने वाला है जिसके अंदर TVS कंपनी की तरफ से डिजाइन वगैरह सब कुछ रहेगा, लेकिन इंजिन जो है तो ये BMW का रहने वाला है TVS के ही Apache RR310 के तरह। और वैसे भाई अभी के डेट में ना कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है कि ये जो न्यू एक नेकेड बाइक आएगा 310cc के अंदर, तो ये भी एक रिवर्स इंक्लाइंड इंजन होने वाला है जो कि भाई BMW के ही ये जो G310 वाला या फिर GS310 वाला जो मॉडल है तो उससे कुछ इंस्पायर्ड होगा या फिर वही वाला ही इंजन है, मतलब वही वाला ही इंजन है अगर देखा जाए तो जो भी है। लेकिन हाँ, वो वाला जो इंजन अभी न्यू एक बाइक के अंदर जो देखने को मिलेगा TVS के नेकेड वाले के अंदर, तो वो भी एक सिंगल सिलेंडर वाला लिक्विड कूल इंजन ही होने वाला है 312cc वाला, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करने वाला है 33.5 bhp। ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करने वाला है तो वो है 27.3 Nm, बाकी तो भाई 6 स्पीड कप को गियर बॉक्स देखने को मिलेगा विद असिस्टेंस स्लीपर क्लच टेक्नोलॉजी। और इसके ही साथ भाई इस वाले मॉडल के अंदर आपको एक और न्यू चीज देखने को मिलेगा जो कि है एक न्यू लुक, जो कि लगभग देखने में ये डार्किन वाले बाइक से इंस्पायर्ड एक होने वाला है, मतलब ऐसा ही अभी बोला जा रहा है, मतलब अभी के डेट में ऐसा ही कुछ रूमर भी चल रहा है। और इसके ही साथ भाई अभी कुछ ऐसा भी बोला जा रहा है कि इसी न्यू वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो सस्पेंशन सेटअप, तो वो है इस वाले बाइक का सामने USD फोक्स और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और इसके ही साथ इस वाले बाइक में भी आपको जो देखने को मिलेगा ब्रेकिंग सिस्टम, तो वो अभी के डेट में एक्सपेक्ट कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि इस वाले बाइक का सामने के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक और पीछे के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक के साथ साथ डुअल चैनल ABS वाला जो सपोर्ट है तो वो देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ इस वाले बाइक में भी आपको देखने को मिलेगा जो एक मीटर कंसोल ना, तो ये एक न्यू स्टाइलिंग वाला ही एक पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला TFT कलरफुल डिस्प्ले वाला ये मीटर कंसोल होने वाला है, जिसमें आपको राइडिंग मोड से लेके ये जो इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा TVS का स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला जो फीचर है और उसके ही साथ स्मार्ट टॉक्स वाला जो फीचर है तो वो सारा कुछ भी। और इसके ही साथ साथ ये जो गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर या फिर जो देखने को मिलेगा फ्यूल गेज वगैरह और ओडोमीटर टिप मीटर, ये सारा जो कुछ चीज है तो ये सारा कुछ चीज आपको देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ साथ ये भी आपको देखने को मिलेगा कि इस वाले बाइक के अंदर आपको जो लाइट्स का सेटअप है ना, तो वो है इस वाले बाइक का ये हेडलाइट टेल लाइट जो है तो वो LED में। और इसके अलावा अगर कॉस्ट कटिंग करता है तो तभी आपको ये जो टर्न इंडिकेटर है तो ये बल्ब्स के अंदर देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये भी LED में होने वाला है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारा कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।